आजाद एकेडमी चौक स्थित ठेकेदार अभिषेक चंदन उर्फ मुन्ना के बेडरूम में उनकी 28 वर्षीय पत्नी सालू की लाश रविवार की सुबह मिली। महिला के सिर पर बड़ा जख्म था। मृतिका के पिता बेगूसराय निवासी उमा शंकर ने सालू के पति अभिषेक चंदन साथ शीला देवी देवर अमित अभिषेक और ननद रिंकू देवी के खिलाफ दहेज के लिए हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने पति सास और ननद को गिरफ्तार कर लिया है। पति और देवर घर पर ही थे जबकि बच्चे अमन और अनुज दादी के साथ भागलपुर गए हुए थे। रविवार को रेड क्रॉस भवन में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अररिया व सिलीगुड़ी के न्योता गेटवेल हेल्थ केयर सेंटर की ओर से लगे शिविर में डॉक्टर स्वयं प्रकाश, डॉक्टर कुमार अभिषेक व डॉक्टर रजत अग्रवाल आदि ने 300 रोगियों की स्वास्थ्य जांच कर उचित सलाह दिए। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा अग्नि पीड़ितों को फैमिली पैक, अंग वस्त्र, बर्तन, बैसाखी इत्यादि सामग्री दी जाती है। पिछले वर्ष की और सेंटर भी खोला गया जो लगातार एक माह तक अपनी सेवाएं दी। रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यगण भविष्य में अधिक जन कल्याण का कार्य करने के लिए मन बना लिया है। हम उनके उत्साह को हृदय से स्वागत करते हैं। अंत में रेड क्रॉस सोसाइटी एवं जिला भर्ती पदाधिकारी श्री हिमांशु शर्मा IAS जो अचानक पटना चले गए हैं को धन्यवाद देते हैं जिनके दिशा निर्देश पर रेड क्रॉस सोसाइटी निरंतर आगे बढ़ते जा रहा है।